आज हम बात करने वाला है प्रेडनिसोलोन टेबलेट के ऊपर, एमआई मेडिसिन इन्फॉर्मेशन ए टू जेड चैनल पे। आज आप लोगों के बीच में एक और नया वीडियो लेके आया है, वो हो गया प्रेडनिसोलोन। ये बहुत अच्छा ये गुलिया है, आप लोग भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत फायदेमंद गुलिया है। देर नहीं करते हैं, बात करते हैं प्रेडनिसोलोन क्या क्या बीमार होने से आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेनली आपका एलर्जी का काम करता है, दमा, चर्म रोग, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, आँख की कोशिराना, गठिया संबंधी विकार, गठिया, लिम्फोमा, विषाक्त एपिडर्मल, सार्कोइडोसिस, लुपस, क्रोनिक खमोरिया, आंटो में सूजन, इरिटेबल बाइल सिंड्रोम, मल्टीपल एक्सक्लेरोसिस, बर्साइटिस, डर्माटाइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, पालिमेंटोसिस, सोरायसिस, सेवेरिक डर्माटाइटिस, यूवेटाइटिस, हेमोलिटिक एनीमिया, रूमेटिक हार्ट डिजीज, बच्चों में रूमटाइड आर्थराइटिस, ब्लेस्पलालिसी, चेहरे का लकवा, खर खड़ाहट, सिर में सुजली, जीभ में सूजन, वाहिका ठोक, ये सब बीमार होने से आप लोग ये प्रेडनिसोल इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा गुलिया है, लेकिन इसको इस्तेमाल करने से पहले एक बार ज़रूर डॉक्टर की सलाह लेके इस्तेमाल करना है, क्योंकि डॉक्टर ही जानता है कब कैसे इस्तेमाल करना है। ये गुलिया जो है बहुत सारा बीमारी का काम करता है, इसलिए डॉक्टर की कौन बीमारी के लिए देगा आपको, इसलिए डॉक्टर की सलाह लेके इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये गुलिया इस्तेमाल करने के बाद कुछ कुछ ये आपका साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है, क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं वो भी बता देते हैं। मेनली इसमें हड्डी का पटन, हड्डियों की वृद्धि में बदलाव, कमजोर में कमी, संक्रमण होने का बढ़ा खतरा, और है कम शस्यों में कमी, संक्रमण होने का बढ़ता खतरा, बालों की विकार में वृद्धि, मांसपेशियों के विकार, बुढ़ाहट, ज़्यादा पसीना आना, देरी से घाव भरना, सिर दर्द, नाजुक तपसा, बदला हुआ मासिक धर्म चक्र, अनिद्रा, मानसिक धर्म के अनुपस्थिति, थकान, मुहासे, सीने में जलन, तपस का लाल होना, तपस पर निशान पड़ना, मिजाज, आसन्न व्यवहार, ये सब आपका साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। अगर ऐसा कुछ साइड इफ़ेक्ट दिखाई दे, तुरंत डॉक्टर के पास जाना है और डॉक्टर की सलाह लेना है, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो यही था आज का वीडियो प्रेडनिसोलोन के ऊपर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो आज के लिए बाय बाय।